गुमानपुरा थाना क्षेत्र में स्थित फल सब्जी मंडी में एक व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तीन व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर आए और एक युवक ने उतरकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। दुकान में बैठे व्यापारी कैलाश मीणा, उनके बेटे महेश मीणा और अन्य मुनीम ने इधर उधर छुपकर जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमा सचेत हो गया। पूरे शहर में नाकेबंदी कराई गई। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन, पुलिस उपाधीक्षक अंकित जैन और गुमानपुरा थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार मौके पर पहुंचे। कमांडोज को मौके पर बुलवाया गया। सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ संदिग्धों को भी चयनित किया गया है जिनसे पूछताछ की जाएगी। सर, हम हिसाब कर रहे थे जितने में, मतलब कि बाइक से दो बाइक पे छह जने आए और आते ही ना पे फायर कर दिया सर उन्होंने। लगी तो नहीं किसी को? सर लगी तो नहीं, हम सब ने इधर टीन सेट के पीछे इधर बच के जान बचाई सर। विवाद चल रहा है क्या आप लोगों का? सर पहले विवाद चल, हमारा पहले सर विवाह चल रहा था, हमारी लड़ाई हुई थी सर, उस चक्कर में हमारा विवाह चल रहा है सर। सर वे हमारे गुलशेर अली से और एक इमरान कालिया से सर। क्या काम करते हो? सर हम आड़त का काम करते हैं सर। इनकी दुकान क्या नाम? यार ये भी तो खड़े हैं यहाँ पे ना सर। आपके फादर का? कैलाश मीणा। आपको ये किस तरह की घटना हुई? अभी सूचना मिली थी दिन में करीब 11 बजे के करीब। कैलाश फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी है अपने सब्जी मंडी में। यहाँ पर दो बाइकों पर छः लड़के आए और इसको एम करते हुए इसकी दुकान पर फायर किए और फायर करके यहाँ से भाग गए। इस संबंध में अभी सभी अधिकारी यहाँ पधारे हैं, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं और हुलिये के आधार पर मुजरिमों की तलाश के लिए नाकेबंदी वगैरह करा रहे हैं।